अभी यहाँ पे कोहरा लग चुका है, हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पे पड़ रही है, पता नहीं क्या होगा। चढ़ाई तो यहाँ पे काफ़ी है वैसे भी, और मैंने तो वैसे भी यहाँ पे ट्रैक पैंट पहन के, तो यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ ऊपर भी शायद बैठने के लिए अगर तेज़ बारिश हो गई तो यहाँ पे रुकने के लिए भी है। और तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई साहब चोपता में, और गाड़ी यहाँ पे हमारी आगे पे पार्क हुई पड़ी है। और अभी हमने जैकेट पहन लिया भाई साहब, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो रखा है, बारिश यहाँ पे लग रही थी पीछे, और वरना यहाँ पे बर्फ़ रहती है पड़ी, बट इस टाइम यहाँ पे पूरा हरा भरा है एज यू कैन सी। और ऊपर यहाँ पे धूप हल्की बहुत लगी हुई है भाई साहब, और आगे आगे जब मार्केट है ना तो पब्लिक में ब्लॉक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है भाई साहब। और अभी तो यहाँ पर बस चल रहे हैं। तो ये है यहाँ पर छोटा सा मार्केट यहाँ पर चोपता का, काफ़ी अच्छा है। वैसे भी गाड़ी यहाँ पे काफ़ी लगी हुई हैं भाई साहब, जबकि यहाँ पे लॉकडाउन है तो भाई साहब गाड़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है एज यू कैन सी, ये देखो। और भाई साहब पूरा चोपता, और इधर से यहाँ पे इसके मंदिर की एंट्री अभी दिखाता हूँ आपको। और काफ़ी सारी गाड़ी लगी पड़ी हैं भाई साहब इधर, ये देखो। ये तो यहाँ पर बंदर भाई बैठा हुआ है इधर, देखो ये देखो। और भाई साहब यहाँ पर कई बाइक्स हैं, और यहाँ पे के जो भी होटल्स रेस्टोरेंट यहाँ पे ढाबे वगैरह वो सारे बंद पड़े हुए हैं अभी। ये देखो गाड़ी, तो हमारी गाड़ी कहाँ पे? अच्छा हमारी गाड़ी यहाँ पीछे पे है। तो ये है यहाँ पे इस मंदिर का एंट्रेंस, इधर से यहाँ पे मंदिर की एंट्री होती है। जब हम यहाँ पे पहले आए थे बर्फ़ में ना, तो भाई साहब यहाँ पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी, इधर तो पूरी बर्फ़ रहती है वैसे भी। तो भाई साहब और मौसम देखो, पूरी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ये देखो। और ये मंदिर की यहाँ पे एंट्रेंस है, अभी घंटी बजाते हैं थोड़ा सा और चलते हैं भाई साहब। ये अपने मंदिर की घंटी, इधर की घंटी बंद नहीं की है। तो ये यहाँ पे व्यू इधर से, ये देखो यहाँ पे चोपता का पूरा मार्केट, ये देखो भाई साहब। और वेदर देखो क्या खतरनाक हो रखा है। और भाई साहब इधर पे हो रही है यहाँ पे बंदरों की लड़ाई, ये देखो। और यहाँ पे ये वाला बोर्ड लगाया हुआ है भाई साहब, इस पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है भाई साहब, 5000 वर्ष पुराना है। हमें देश में पता नहीं क्या क्या लिखा है, देखो पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। और भाई साहब यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो डर भी लग रही है। ये देखो इधर से भी वही लिखा है, बट इधर पे थोड़ा बड़ा है। तो इधर से पूरा एंट्रेंस है यहाँ पे, इधर पे रास्ता यहाँ पे स्टार्टिंग होता है। वो भाई साहब बंदर देखो इधर, इस पर देखो एक गुस्सा आ रहा हो भाई। तो इधर से तो ये है यहाँ पे मंदिर का एंट्रेंस पूरा, और ये मार्केट मैंने अभी आपको दिखा चुका हूँ। और ये यहाँ पे बंदर। सो अभी हम जाने लगे हैं भाई साहब ऊपर यहाँ पे तुंगनाथ, और यहाँ पे पीछे पे हमारा गेट। नाम बताएं अपना। डॉक्टर सिंह। तो भाई साहब अभी मौसम यहाँ पे काफ़ी बिगड़ चुका है भाई साहब, ये देखो पूरा कोहरा ही कोहरा इस साइड। और भाई साहब ठंडा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है वैसे भी। और यहाँ पे इधर पे छोटा सा मंदिर है, और भाई साहब चारों तरफ अभी यहाँ पे कोहरा लग चुका है, हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पे पड़ रही है, पता नहीं क्या होगा। चढ़ाई तो यहाँ पे काफ़ी है वैसे भी, और मैंने तो वैसे भी यहाँ पे ट्रैक पैंट पहन के आ रखा हूँ मैं। तो भाई साहब वेदर यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, और बारिश अभी यहाँ पे तेज़ लग चुकी है आई थिंक। तो इधर जब हम यहाँ पे पहले आए थे बर्फ़ में, तो भाई साहब यहाँ पर तो बिल्कुल भी ऐसे पूरी रोड पर बर्फ़ थी, अभी से मेरे यहाँ पर सांस फूलने लग गई। और यहाँ पर ऐसे अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत छोटा, तभी मैं बोला यहाँ पे तेज़ आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हल्का सा वाटरफॉल है, अब यहाँ सांस चढ़ने लगी है अभी तो। और इधर पे यहाँ पे पूरा ये देखो पूरा इधर रास्ता है यहाँ पे, इधर पे काफ़ी मस्त है वैसे भी। और बस चलते जा रहे हैं। तो ये है यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल, और यहाँ पे क्या रास्ता है भाई साहब एज यू कैन सी। यहाँ पे काफ़ी छोटा वाटरफॉल है। अब भाई साहब जब यहाँ पे बर्फ़ के मौसम में तो ऐसी बर्फ़ रहती है पड़ी, ये पूरा पानी भाई साहब जम रखा रहता है। और यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, अच्छा नहीं नीचे से अमरूद का पेड़ लग रहा भाई, ये देखो काफ़ी मस्त है वैसे भी। और चलते जा रहे हैं, और यहाँ ऊपर पे आई थिंक कुछ रहने वहने के लिए है। यहाँ पे आ चुके हैं हम, और यहाँ ऊपर पे शायद बैठने के लिए अगर तेज़ बारिश हो गई तो यहाँ पे रुकने के लिए भी है। और मैं तो अपना बैकपैक भी नहीं लाया, बैग अपना वहीं पे गाड़ी में ही पड़ा हुआ है इस वाले कैमरे पे भी। और भाई साहब इधर देखो, कोहरा देखो भाई साहब, कोहरा काफ़ी तेज़ वाला, बारिश आ रही है ना इसलिए यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है भाई साहब। और आई थिंक हम पूरा ऊपर तो जाएंगे नहीं मंदिर तक, बिकॉज यहाँ पे जो भी हमारे साथ भाई लोग आए हैं भाई साहब वो ऊपर नहीं जाएंगे शायद से, तो मैं अकेला जा नहीं सकता हूँ। और भाई साहब जो यहाँ के सीन है ना भाई साहब, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी पूरी चारों तरफ, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नो प्लास्टिक जोन, यहाँ पे आगे भी एक बोर्ड लगा है उसी को पढ़ रहा हूँ बस। और यहाँ पे काफ़ी मस्त है, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ नीचे जाते हैं यार हल्का सा, और इधर ओ भाई तो इधर देखो, ये देखो अभी हमें भाई साहब इधर, अरे जैकेट थोड़ा ढीला है मेरा, मुझे पता है, कोई बताए ना काफ़ी मस्त भाई साहब। और चलते हैं आगे ओ भाई, और अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बैठने के लिए भी है वैसे तो, इधर पे हल्का सा बैठते हैं थोड़ा सा। मैं तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लाया यार इस साइड में। और जो चोपटा है आपको मैंने बताया अभी वर्ल्ड पे हाईएस्ट यहाँ पे शिवा टेम्पल है भाई साहब, हाईएस्ट मतलब समझ रहे हो ना, सबसे ऊंचा। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाई हैं, टेबल वगैरह, ये देखो। तो हाथ थक गया भाई आज तो, आज यहाँ पे हाथ थक गया मेरा तो भाई। ये देखो इधर पे से काफ़ी मस्त है वैसे, ये देखो इधर पे है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टे करने के लिए हल्का सा, इधर पे तो हम बैठ भी सकते हैं आराम से, ये देखो। और इधर पे लिखा है, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नो प्लास्टिक जोन। भाई साहब अगर कोई आता है तो गंदा मत करो प्लास्टिक से, या फिर कोई भी यहाँ पे कपड़े की चीज़ हो तो मत डाल। ये देखो इधर तो अभी यहाँ पे प्लास्टिक पड़ा ही हुआ है भाई साहब, कोहरा ही कोहरा है भाई साहब इधर तो। और यहाँ पे नीचे का काफ़ी लंबा ट्रैक है वैसे भी, मुझे आइडिया भी नहीं है भाई साहब कितना लंबा ट्रैक होगा ये। और ये है यहाँ पे एक छोटा सा स्टे, यहाँ पे टीन का है वैसे भी, पता नहीं। और हमारे ट्रैकर्स कहाँ हैं भाई, अरे यहाँ तो लोग ही दिख रहे हैं, पता नहीं हमारे ट्रैकर कहाँ गए, ये पता नहीं कौन है भाई। तो अभी चल रहे हैं यहाँ पे घर को, बिकॉज यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। और यहाँ पे अंकल लोगों ने भी बोला भाई साहब घर के चलो भाई साहब, घर चलते हैं पूरा। आई थिंक यहाँ पे दुगल बीटा पे रुकेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। पूरा तो इधर कोहरा ही लग गया भाई साहब, बारिश यहाँ पे आई थिंक तेज आ सकती है, जल्दी चल भाई। और जगह तो भाई साहब घंटी यहाँ पे लॉक है, बट इधर यहाँ पे खुली है इस साइड। और अब यहाँ पे मार्केट पे काफ़ी कुछ घूमे ही नहीं यार भाई साहब कसम से। चलते हैं, यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, आपको दिखा चुका मैं पहले भी। और जगह तो भाई साहब घंटी यहाँ पे पूरी कवर्ड कर रही है यहाँ पे, बट इधर यहाँ पे खुला है। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे, चलते हैं फटाफट। और भाई साहब इधर तो गाड़ी वगैरह फुल आने लगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। और इस टाइम पे यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी काफी गंदी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे लैपटॉप से वीडियो शूट हो रहा है, रीजन आप सबको पता है। और तो भाई साहब इस वाली वीडियो में भी यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बिकॉज यहाँ पे तुंगनाथ तक तो मैं गया नहीं, यहाँ पे चंद्रशिला जो भी ट्रैक है, बिकॉज यहाँ पे अपने साथ जो भैया वगैरह थे तो उन्होंने यहाँ पे ना कर दिया था बिकॉज यहाँ पे अगर लेट हो जाती तो, और अकेला मैं जा सकता था बट मेरी गाड़ी छूट जाती तो इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं गया। और अगर यहाँ पे किसी का डाउट होगा कि वो अंकल ने यहाँ पे आपसे क्या पूछा तो बस नाम वगैरह पूछ रहे थे कि यहाँ पे आप कितने जन जा रहे हैं, पर नाम पूछ के करते क्या। हम वहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर ऊपर गए, फिर सीधा नीचे आ गए। फोटोशूट वगैरह की यहाँ पे वीडियोग्राफी आपने आगे देखी होगी वीडियो में। और इसके अगले वाले ब्लॉग में मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे बुग्याल टाइप का था जो यहाँ पे चोपता के जैसे यहाँ पे रोड आती है तो उसके पीछे पीछे, तो उसे एक्सप्लोर करूंगा, यहाँ पे मजा आएगा उस वाले ब्लॉग में भी आपको इसके अगले वाले। तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, काफी मजा आने वाला है आगे आगे वाले ब्लॉग्स में। मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग थोड़ा कम करता हूँ बिकॉज हमें बोला मैंने काफी कम है, बिकॉज यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे भैया अंकल आंटी वगैरह थे तो इस कारण यहाँ पे ब्लॉग मतलब उतना शूट नहीं हो पाया, ब्लॉग मतलब ब्लॉगिंग उतनी नहीं हो पाई। मैंने उतना बोला नहीं यहाँ पे ब्लॉग में, खाली यहाँ पे कैमरे से यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट्स बी रोल्स वगैरह वगैरह सारे यहाँ पे शूट्स हो रहे थे। सो दिस इज द बिग रीजन। और उसके अगले वाले अगले ब्लॉग में तो आपको भाई साहब काफी मजा आएगा। मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे दूगल बिटा स्नो पॉट, यहाँ पे एक और मंदिर यहाँ पे मक्कुमट का मंदिर है, तो बहुत मजा आएगा भाई साहब आपको। सो टिल देन बाय बाय एंड लव फॉर ऑल।